और अर्जेंटीना से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई। किन मांगों को लेकर यह प्रदर्शन हुआ, आइए जानते हैं। सामुदायिक रसोई के लिए भोजन की मांग को लेकर अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर यह हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार का सहारा भी लेना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने ब्यूनस आयर्स के कई रास्ते बंद कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया। इनका आरोप था कि देश में खाने पीने के सामान से लेकर परिवहन, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के दाम आसमान छू रहे हैं। इसराइल की सड़कों पर भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। यहां इसराइली कानून में बदलाव के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिला। यरूशलेम की सड़कों पर अति रूढ़िवादी यहूदी समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी उस नए कानून मसौदे का विरोध कर रहे थे जिसके तहत इजरायली सैन्य सेवा में शामिल होने को लेकर मिली छूट खत्म हो जाएगी, यानी कि अब इन लोगों को भी इजरायली सेना में शामिल होना होगा, जिससे ये लोग भड़के हुए हैं और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर कर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। पुलिस के लिए प्रदर्शनकारियों को रोकना मुश्किल हो गया। प्रदर्शनकारी सड़कों पर लेट गए और पुलिसकर्मी उन्हें सड़कों से जबरन हटाते नजर आए। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन ने रूसी कब्जे वाले क्रीमिया को लेकर बड़ा ऐलान किया। मौका था क्रीमिया पर रूसी कब्जे की 10वीं सालगिरह का। इस दौरान मॉस्को में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने ऐलान किया कि जल्दी ट्रेन के जरिए रूसी शहरों को क्रीमिया के सेवस्तोपोल तक जोड़ा जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रपति चुनावों के 3 अन्य उम्मीदवार भी मौजूद थे जिन्होंने पुतिन का खुलकर समर्थन किया। पुतिन 5वीं बार रूसी राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। ज़ेलेंस्की लगातार रूसी कब्जे से क्रीमिया को आजाद कराने की बात कहते रहे हैं। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था।